एक समय की बात है, चंदनपुर गांव में कालू नाम का एक ठग रहा करता था। वह राहगीरों को खूब ठगा करता था। गांव वाले और आसपास के लोग उसकी हरकतों से बेहद परेशान थे, लेकिन ऐसी कोई तरकीब नहीं निकाल पा रहे थे कि कालू को सबक सिखाया जा सके। एक दिन कालू खेतों की ओर जाती पगडंडी पर खड़ा था कि दूसरी ओर से आता हुआ एक नौजवान नजर आया। उसके एक हाथ में घोड़े की लगाम थी और दूसरे हाथ में बकरी की रस्सी। अजनबी को पास आते देख कालू मुस्कुराते हुए बोला, अरे राम राम भैया, लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो। हाँ, मैं दूर गांव का रहने वाला हूँ, श्याम नगर, और अब अपनी ससुराल जा रहा हूँ। कुछ रुपए की ज़रूरत थी, इसलिए मैं यह बकरी बेचना चाहता हूँ, अजनबी ने जवाब दिया। यह सुनते ही कालू की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उस अजनबी को ठगने की योजना बना डाली। उसने बोला, अच्छा ये जो घोड़े के साथ बकरी है वह कितने में दोगे? अजनबी बोला, भैया 500 रुपए की है। ठीक है, मुझे सौदा मंजूर है, यह लो 500 रुपए। चलो अब घोड़े से उतरो, यह घोड़ा भी मेरा हुआ, ठग ने कहा। क्यों? अजनबी चौंकते हुए बोला, तुमने सिर्फ बकरी ली है, घोड़ा नहीं। ठग बोला, अरे घोड़ा कैसे नहीं दोगे? मैंने तुमसे पहले ही पूछ लिया था कि ये जो घोड़े के साथ बकरी है वह कितने में दोगे, यानी घोड़े और बकरी दोनों की कीमत 500 रुपए थी जो मैंने तुम्हें दे दी। कालू बोला, अब तक काफ़ी लोग जमा हो चुके थे, उन्होंने भी कालू की बात पर हामी भरी। कालू के चेहरे पर विजयी भाव थे। वह अजनबी से घोड़ा और बकरी लेकर शान से अपने घर की ओर जाने लगा। तभी अजनबी ने उसे रोका, अरे सुनो भैया। उसकी आवाज़ सुनकर कालू रुक गया और बोला, अब क्या बात है? अजनबी बोला, बात दरअसल ये है कि मेरा घोड़ा और बकरी तो तुमने ले ही ली है, अब मैं क्या मुँह लेकर अपनी ससुराल जाऊँगा, अतः मैं अपनी यह रेशमी पगड़ी तुम्हें बेचना चाहता हूँ और इस पगड़ी की कीमत सिर्फ एक मुट्ठी चावल लूँगा। यह सुनकर कालू सोचने लगा, वाह आज का दिन तो बहुत ही बढ़िया है, यह तो निरा काठ का उल्लू निकला। अपनी प्रसन्नता को छुपाते हुए कालू सहजता से बोला, ठीक है तुम इतना निवेदन कर रहे हो तो मैं ठुकरा नहीं सकता, सामने ही मेरा घर है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक मुट्ठी चावल दिलवा देता हूँ। घर पहुँचते ही कालू ने अपने धर्मपत्नी को आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो भाग्यवान, जरा एक मुट्ठी चावल तुलाना, इस अजनबी से मैंने उसकी पगड़ी एक मुट्ठी चावल के बदले खरीदी है। उसकी पत्नी जैसे ही एक मुट्ठी चावल उस अजनबी को देने लगी, उसने तुरंत कालू की पत्नी का हाथ पकड़ लिया और चाकू निकालकर उसकी मुट्ठी काटने लगा। यह देखकर कालू चिल्लाया, अरे यह क्या कर रहे हो? मैं ये मुट्ठी काट रहा हूँ, तुम इस एक मुट्ठी चावल के बदले पगड़ी का सौदा कर चुके हो, अजनबी बोला। यह सुनकर कालू के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए, उस अजनबी की चतुराई देखकर वाह वाह करने लगे, क्योंकि आज शेर को सवा शेर मिल गया था। कालू गिड़गिड़ाकर उस अजनबी से कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो भैया, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, यह लो तुम्हारा घोड़ा और बकरी, ये 500 रुपए भी तुम ही रखो, किंतु मेरी पत्नी को छोड़ दो। अजनबी बोला, अब ठीक है, अब आई ना कल ठिकाने। यह कहकर अजनबी अपना घोड़ा और बकरी लेकर पुनः अपनी यात्रा पर चल दिया।